नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। पौड़ी पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों और महिला मंगल दल को चौपाल लगाकर किया जागरूक। कोटद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिला मंगल दल के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर महिला सुरक्षा एवं नशा मुक्ति के संबंध में बैठक कर उनके क्षेत्रांतर्गत होने वाली अवैध गतिविधियों व मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोतवाली श्रीनगर द्वारा विकास खंड खिरसू के अंतर्गत ग्राम सरना, थाना सतपुली, ग्राम बागी राजस्व क्षेत्र व थाना धुमाकोट द्वारा ग्राम ओलेत की महिला मंगल दल व नवयुवक मंगल दल के सदस्यों की चौपाल लगाकर उन्हें बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम, मानव, गुड टच बैड टच, तस्करी, साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों व आपातकालीन नंबर आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी प्रकार की सहायता या उनके क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों व मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। बैड टच है, अगर कोई इन पार्ट्स को टच करेगा तो वो क्या होगा? बैड टच। ठीक है, ये चीज बच्चों अच्छे से याद रखो। जब भी कोई अगर आपको इन पार्ट्स पे, इस पार्ट पे या ब्रेस्ट पे कहीं पे भी टच करता है वो क्या होता है? बैड टच। और बैड टच जब भी करेंगे तो किसको बताना है? पुलिस को तो बाद में बताओगे, पहले मम्मी पापा को बताओगे। ठीक है, पहले किसको बताओगे? मम्मी पापा को बताओगे। मम्मी को सबसे पहले जाके बताओगे बैड टच किया है। ठीक है, अंकल ने बैड, अक्सर जो ये केसेस हो रहे हैं ना फोक्स हो गए, तो ये देखने में आया है कि ज्यादातर केस जो हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि वही कोई कोई किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी के गाँव का कुछ वो ही कर रहे हैं। इसलिए आए थे कि महिला और बच्चों वाली बात सबको पता लग जाए। ये जो सोशल मीडिया, जो फेसबुक कौन कौन चलाता है, सभी चला दोगे? इस वाली लाइन को छोड़, इस वाली लाइन के बाद सब फेसबुक चला जो फेसबुक चला रहे हैं ना, फेसबुक में पता नहीं है सामने जिस लड़के की फोटो लगी है वो लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, नाम फेसबुक कुछ भी डाल दो आप।